बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड आर्ट का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। फ्रेंड जैसा कि आपको बताया, कल मैंने बेगम हसील की कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो बेगम हसील के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। तो हमने भी एक बेगम हसील मंगवाया जी बड़े दूर से, तो वो आज ही हमारे पास पहुँचा है सुबह के टाइम। तो प्यार जिसे हसील बेगम कहते हैं जी, वो हमारे पास शो के लिए आ चुका है, हमने मंगवाया है। तो आज हम उसका आपको शो करवाएंगे कि किसे कहते हैं जो पेयर जो बेगम हसील हैं। तो मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आपसे शो करवाएंगे, इसके बारे में बेगम के बारे में बताएंगे कि बेगम क्या है और बेगम इंडियन ब्रीड है, कहाँ से आई है, किस तरह लड़ता है, क्या हिसाब किताब है। आपने मेरे साथ रहना है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक हमने कल ही परचेज़ किया है बेगम हसील। हमने कल हमारे पास हसील की तो काफ़ी सारी जो है वो ब्रीड्स हैं, मियांवाली में हैं, पास में हैं, शामू भी हमारे पास पड़े हुए हैं अपने। तो एक इस चीज़ की कमी थी और काफ़ी अरसे से ख्वाहिश भी थी कि कोई अच्छा अगर बेंगम मिले तो वो हम ले लें। तो जनाब ये एक हमारे भाई हैं, सरगोधा में होते हैं, ये उनके पास पड़ा हुआ था, उनकी मोहब्बत है जी। हमने उनसे मांगा तो उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने हमें ये भेज दिया। ब्रीडर है, तकरीबन 2.5-1 साल की उम्र का है और ये जो ओल्ड ब्रीड है जो इंडिया में यूपी बिहार से चली। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये असीलों की जो है, जो अच्छे असील हैं वो हैं ही, यही नस्ल यहाँ से शुरू हुई है। तो जितने लोग हैं जी इतनी बातें होती हैं। बहरहाल एक अच्छी नस्ल है, इसका एक अलग से शौक़ है। दुनिया भर में जो काफ़ी सारे जो शौकीन हैं वो बेंगम रखते हैं, बड़ी प्यारी नस्ल। और तो आज ये जो लेके आए हैं जी हम, इसका आपको सबसे पहले शो करवाते हैं। ये स्लेटे कलर में है। ओल्ड बेगम जो होते हैं जी, बाज लोगों का ख्याल है कि वो जो स्लेटे ही थे, यानी कि जहाँ से ये नस्ल चली है। तो ये देखें, लसानी स्लेटा में आता है। आप अगर इसके देखें तो ये बाल इसके सफ़ेद नीचे से, जो एक लसानियों का खासा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी आपको चेहरे की ज़रा शो करवाते हैं। चेहरा इसका देखें जी, खूबसूरत चेहरे में, खूबसूरत आंख के साथ देखें, आंख कितनी खूबसूरत है। नोक देखें कितनी प्यारी है, मज़बूत छोटी चौड़ी नाक नोक है इसकी, पैरट की तरह इसकी जिसे कहते हैं, इस तरह की है। ताज भी देख लें जी, खूबसूरत इंतहाई। गर्दन की मोटाई देखें, अभी कुरीज में है, ये देखें गर्दन, गर्दन का शो करें जी, गर्दन काफ़ी मज़बूत अभी कुरीज में है। और इसके बाद नली की तरफ आते हैं, छोटी नली ये देखें, जो सीलों की खासियत होती है, किल के साथ, किल के साथ अंगूठा टच हो रहा है, इंतहाई खूबसूरत चौरस नली में है, छोटी नली है, खुश्क नली है, आप देखें ये कितनी प्यारी है। इसके अलावा थके हुए जोड़ों में, लंबी दुम है अभी कुरीज में है, तुम इसकी काफ़ी लंबी हो जाती है जब ये शाह पर वगैरह निकालेगा। तो देखें जी अब इसके पल्लों का शो करें, अभी कुरीज में आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी पल्ले जो हैं वो कुरीज में हैं, लेकिन खुले पल्लों में है ये, बगैर चर्बी के जो होते हैं जिसे कहते हैं। ये देखें बड़ा खूबसूरत नर है जी, कमर की चौड़ाई अगर आप इसकी देखें, चौड़े सीने में अच्छा एक नर जिसे कहते हैं। नीचे रखते भी आपको शो करवाते हैं, नहायत ही अच्छा एक आपको बताएं स्लेटा है। शाने देखें जी, कंधे आपको बता रहे होंगे तो नसीब भाई जी कैसा है, बेहतरीन खूबसूरत एक ये चीज़ है जी जो शौकीन लोग हैं उसको रखने के लिए। तो फ्रेंड आपने बेगम असील हमारा का शो किया है जी।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा आज का व्लॉग और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जो बेगम असील आपको हमने शो करवाया। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर देगा, जिन हजरात के पास बेगम असील प्योर बेगम असील हैं मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा बेगम असील आपको कैसा लगा। हमने रात को ही मंगवाया है, बल्कि सुबह 4-5 बजे भाई ने जाके लाया है। तो ज़रूर बताइएगा जिन जिन जिनके पास बेगम असील हैं कि आपका बेगम असील कैसा है। हमारा प्योर बेगम असील माशाल्लाह से हमने मंगवाया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।